हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से। हापुड़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र में रेलवे रोड स्थित अजय पैथोलॉजी लैब के कर्मचारियों से पार्किंग को लेकर हुआ झगड़ा, जिसमें कुछ दबंग हाथों में क्रिकेट स्टैंप लेकर आए अजय पैथोलॉजी लैब के स्टाफ के साथ हाथापाई शुरू कर दी, जिससे स्टाफ के गले में काफी खरोच भी देखने को मिली है। लैब पर डॉक्टर रितु ने बताया कि अभी तुम हमें जानते नहीं हो, हमारी पहुंच ऊपर तक है, जिसके कारण अजय पैथोलॉजी लैब स्टाफ में काफी डर बना हुआ है, क्योंकि अजय पैथोलॉजी लैब समय करीब रात्रि 10 बजे तक बंद होता है, कहीं दबंग उनके साथ रात में कोई घटना को अंजाम न दे दे। संवाददाता आलम टाइगर के साथ फरीम खान की रिपोर्ट। क्या विकी नाम? आज यहाँ पर कुछ दबंग लोग स्टंप के डंडे लेकर आए थे, इसके बाद क्या कहना? हमारे एक अजय पैथोलॉजी लैब उसके आगे फ्रंट पे एक बंदे ने अपनी कार खड़ी कर दी बीचों बीच, जिससे कि हमारी निकलने बढ़ने की जगह बंद होगी। तो मैंने कहा भैया आप थोड़ी सी कार आगे खड़ी कर लीजिए, तो बंदे ने उसमें दबंगी दिखाई अपनी और उसमें लड़ाई झगड़े करने लगे हमसे, ठीक। और इसके सिवा उसमें हमारे कपड़े बटके फट गए और उसमें हाथापाई होने के कारण एक लड़के के हमें थोड़ी जख्म भी लगे छीना झपटी में, बचे 20 बचाओं में, ठीक है। तो जो लोग स्टंप लेकर आए थे आप उनको जानते हो या नहीं? हाँ जानते हैं, हमारे पड़ोसी है और वो मार्केट में जब आपका हमारे पड़ोस से जाकर वो स्टंप उठा के लिए मारपीट करने के लिए, हम उनसे कहे तो भैया आप मतलब कि थोड़ा सा आगे करिए, एक मिनट की बात है और मैं निकल जाऊँगा। तो उसमें मैंने बाइक थोड़ी पीछे से करी, उसके बाद उन्होंने मारपीट करने के लिए तैयार आ गया, उसमें अपने दबंगे थोड़ा वो दिखाया। चोट वोट कुछ आई आपको? ना खैर मेरे तो नहीं, पर हाँ कपड़े जरूर फट गए मेरे, एक जोड़ी जीने से उन्होंने शर्ट फाड़ दी पूरी तरह से। मेरा डॉक्टर रितु नाम है, मेरा डॉक्टर रितु नाम है। ऐसा था कि मुझे, मैं मतलब यहाँ पर जूनियर डॉक्टर के हिसाब से काम करती हूँ, यहाँ दो तीन पेशेंट बैठे हुए थे, वो मेरा वेट कर रहे थे, बारिश की वजह से मैं लेट हो गई थी, आ नहीं पा रही थी। तो मैंने अपने स्टाफ से कहा कि वो मुझे ले जाए और है ना मैं टेस्टिंग करूँ, तो ये कहने लगा मेरा स्टाफ कि अभी बारिश हो रही है, मैं अभी तो आ नहीं पा रहा। तो मैंने कहा जब बारिश रुक जाए, ये मंद हो जाए तो मुझे ले जाइए। तो ये काफ़ी टाइम तक आया नहीं, तो मुझे पड़ोसी का फ़ोन जाता है, उसका नाम नहीं ले रही, जो शॉपकीपर है बराबर में हमारे, कि मैडम आपके लड़कों को यहाँ पीटा जा रहा है और मारा जा रहा है, एक लड़के के कपड़े फाड़ दिए गए हैं और दूसरे लड़के के ना चांटे मारे गए हैं और यहाँ पे स्टंप तक आ गए हैं। तो वो हमारे पड़ोस, वो लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं, मिंटू नाम है उसका, कास्ट का बनिया है और चुनी की दुकान करता है, उसका भैया एसडीएम के नीचे वगैरह बैठता है। तो उसने यही कहा, फिर वो जब लड़का जाने लगा मुझे लेने के लिए, तो उसने दरवाज़ा खोला कार का, ये कहने लगा तो मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूँ। तो उसने माँ बहन की गाली बक दी, गाली बक की, तो लड़कों को हो सकता है मेरे लड़कों को थोड़ा जोश आया, उसने उल्टा बोल दिया हो, इस बीच में उनकी हाथापाई हो गई। हाथापाई में क्या हुआ कि उसने उसको मारा पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए। फिर हमारा स्टाफ दूसरा गया, उसे मारा, तो उसका जो लड़का था वो स्टंप लेके आ गया, वो जो होती हैं क्रिकेट की जो भी लगाई होते हैं क्या कहते हैं उन्हें, वो लेकर आया, उससे उन दोनों को मारा गया। और मेरे दो पेशेंट थे वो भी डर के मारे चले गए, मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे लड़कों को उठा कंप्लेंट करके मेरे लड़कों को उठवाया जा रहा था, और हम डॉक्टर लोगों की रह क्या जाएगी ये बताइए, अगर हमारे बॉस नहीं है कुछ नहीं है, काम हम कर रहे हैं, चलो मेरी तो इज्जत करते हैं। उसके बाद मेरे स्टाफ को पीटते हैं मारते हैं, कल को हम 10:30 बजे तक यहाँ हम काम करते हैं, इमरजेंसी करते हैं, उसके बाद हमारे साथ बदतमीजी करेंगे, हमारा काम कैसे चल पाएगा भाई। अनुज कुमार, आप अजय पत्री लैब का जॉब करते थे जी, कुछ लोग दबंग बंदे आए थे हमारे करने के लिए जी, ऐसा हुआ था, वहाँ गाड़ी खड़ी थी बाहर, तो हमें मैडम लेने के लिए जाना था जो भैया जा रहे थे, तो उन्होंने जैसे उनसे गाड़ी हटाने के लिए कहा, उन्होंने तुरंत ही बदतमीजी से बोलना स्टार्ट कर दिया कि गाड़ी नहीं हटेगी, जो तुम्हारे डॉक्टर से होता हो वो कर लेंगे। और उनसे ये कहने के बाद वो तुरंत ही थोड़ी देर बाद उनसे लड़ाई झगड़े करने के लिए तैयार हो गए। और जो उनका छोटा वाला लड़का है वो स्टंप ले आए, क्रिकेट का स्टंप जो होता है, उनसे हाथापाई करने के बाद वो स्टंप मारने को तैयार था, और उन्हें झीना झपटी में मेरे यहाँ स्क्रैच भी आए हुए हैं ये रे,